हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डिजिटल ट्रेडिंग। आज का हमारा टॉपिक है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है एंजल ब्रोकिंग की, उसमें वो यूज़ करके आप शेयर्स कैसे बाय कर सकते हो, ये हम देखेंगे लाइव मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एंजल ब्रोकिंग का ऐप ओपन करके रखा है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि ITC मुझे लेना है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करके। तो ITC यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा है। तो ITC पे क्लिक करना है, यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यह विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्वांटिटी जो भी आपको लेना है एंटर कीजिए, 50 क्वांटिटी, और यहाँ पे प्राइस डालिए, ठीक है। सपोज़ मुझे अभी 213 पे लेना है, तो यहाँ पे लिमिट प्राइस मैंने डाल दी। तो यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे मेन सेटिंग है। तो अभी मेरा सिलेक्टेड है इंट्राडे, मुझे लेना है मार्जिन यूज़ करके, तो आपको मार्जिन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मार्जिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे देखिए, बाय अप टू 4 times क्वान्टिटी विथ 0.049 इंटरेस्ट पर डे। तो यहाँ पे आप नो मोर में क्लिक करके, यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, सब डिटेल्स यहाँ पे है। और MTF क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो में हम देखेंगे बाय कैसे करते हैं एक्चुअल में। तो मार्जिन पे क्लिक करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो जैसे आप मार्जिन पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे नीचे मार्जिन दिखा रहा है अराउंड 2089 रुपीज़। तो आप यहाँ पे देखिए, आप 50 शेयर्स बाय कर रहे हो, ठीक है। मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। अभी देखिए 50 शेयर्स का हम कितने पे ले रहे हैं, 213 पे। तो कितना होता है देखिए, 10,650 रुपीज़ होता है। लेकिन आपको यहाँ पे कितना मांग रहा है, ये सिर्फ 2,000 रुपये, 2100 रुपये दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपको अराउंड 4 times आपको मार्जिन मिल रहा है। तो ये फ़ायदा होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करने का। और यहाँ पे आपका अवेलेबल मार्जिन दिखाएगा, या अप्रोक्सीमेटली कितना रिक्वायर है। अभी देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बाय। अभी क्या होगा, ये पेंडिंग में जाएगा, पेंडिंग में जाएगा, बिकॉज अभी 213 प्राइस आया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेंडिंग में, जैसे ही ये प्राइस आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट होकर हमारे पोजीशन में जाएगा, और आप इसको जितना चाहिए वो कैरी ओवर कर सकते हो, उसका जो इंटरेस्ट वगैरह है आपको लगता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मॉडिफाई किया, यहाँ पे मैं मार्केट सेलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ मैं बाय। ये देखिए मार्केट पर ये बाय हो चुका है। तो ये ओपन पोजीशन में अभी दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए मार्जिन में ये हमने बाय किया है, इसीलिए वो मार्जिन पे दिखा रहा है। तो अभी आपको क्या हुआ कि अभी आपने बाय तो किया है, लेकिन आपका डिसीजन चेंज हो गया है कि अभी इसको आज ही बाय किया है तो मुझे आज ही एग्ज़िट कर सकता हो क्या। हाँ, कभी भी आप एग्ज़िट कर सकते हो, यहाँ पे एग्ज़िट बोलोगे एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो MTF में लिया है, लेकिन इसका मतलब आप इसको होल्ड करना चाहते हो, कोई एग्ज़िट नहीं करेगा, लेकिन सपोज़ आपको एग्ज़िट करना है तो एग्ज़िट कर सकते हो, ओके। तो ऐसे ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में बाय करते हैं। कुछ लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस आए थे लोगों की कि सपोज़ मैंने मार्जिन पे लिया है तो मैं डिलीवरी पे कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या। तो क्या होगा, देखिए अभी आपको फंड्स कितना यूज़ हुआ है मेरा, अराउंड 2000 रुपीज़। आपको डिलीवरी में कन्वर्ट करना है तो कितना फंड्स लगेगा, इतना 10,000। आपके अकाउंट में सफिशियंट फंड रहेगा तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। देखिए अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ, ITC पे क्लिक करना है, कन्वर्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखिए आपको मार्जिन मिलिया है, आपको इंट्राडे करना है या डिलीवरी करना है। इंट्राडे भी कर सकते हो, डिलीवरी भी कर सकते हो, पहले हम इंट्राडे करते हैं। इसको किया कन्फर्म। तो देखिए अभी रिक्वेस्ट हमने भेजा है, ये देखिए, ये अभी आई थिंक 15:20 हो चुका है, इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो आपको फिर से क्लिक करना है कन्वर्ट,
डिलीवरी पे करना है। तो डिलीवरी पे किया तो क्या होगा, ये मार्जिन की पोजीशन डिलीवरी पे हो जाएगी कन्वर्ट। ये देखिए ये मार्जिन का डिलीवरी में चेंज हो चुका है। फंड्स में जाके देखोगे यहाँ पे यूज्ड मार्जिन देखिए 10,000 आ रहा है। ओके, फिर से आपको चेंज करना है जैसे कि कन्वर्ट टू मार्जिन। ये देखिए मार्जिन पे कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। फंड्स में जाके देखिए 2,300 रुपीज़ यूज़ हुआ है, मतलब 4 times आपका लिमिट मिलता है। ऐसे करके आप MTF में बाय कर सकते हो। अभी ये बाय हो चुका है, अभी क्या करना पड़ेगा आपको, ये 2 days में आपको प्लेज करना पड़ेगा, नेक्स्ट 2 days में। ओके, तो ये रूल है, और प्लेज नहीं किया तो ये पोजीशन ऑटोमेटिकली 7+ day में स्क्वेयर अप हो सकती है। ठीक है, तो इसको प्लेज कीजिए। प्लेज करने का दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, तो स्टे ट्यून। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री कॉल्स एंड डेमोज। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।